तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, काम ऑनलाइन पे और वीडियो आने वाले हैं। तो ये देखिए, अमेज़ॉन का एक पैकेट है, बड़ा सा हम रखते ही कर रहे हैं आपके सामने। और आप देखिए क्या रखा है आपने। ये देखिए ब्रांड आर्टिस्टिक्स, इसका ये बैग है। MRP देख लीजिए बॉक्स पे, बैग पे। अब मैं फटाफट आपको ओपन करता हूँ। ये कुछ इस तरह का बैग है। बैग में यहाँ पे देखिए MRP, साइज मेंशन है, बहुत इम्पोर्टेंट। साइज देख सकते हैं 46 सेंटीमीटर बाय 30 बाय 14 सेंटीमीटर। ये एक स्टैंडर्ड साइज का बैग है, जिसे आप लैपटॉप के लिए बैकपैक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। ये आजकल जो बैग है, नॉर्मल बैग ना होकर गैजेट बैकपैक बनते जा रहे हैं। तो इसका एक और बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है, जब आप ट्रैवल करते हैं तो पीछे से कोई सामान ना चुरा ले, ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। एंटी थेफ्ट बैक पैक बोलते हैं इसको। मैं पूरा ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मुझे सबसे अच्छी बात इस बैग की ये लगी कि ये पूरी इस तरीके से ओपन हो जाता है। कहीं आपको सामान रखने के बाद आराम से इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट में एक पॉकेट दी हुई है इसमें छोटी सी, मतलब जो चीज़ें बार बार भूलते रहते हैं छोटा मोटा निकालना है, कुछ इम्पोर्टेंट ना हो वो यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी यहाँ साइड में एक ये जो आपको ये दिख रहा है, पावर बैंक लगाने के लिए है, ठीक है। और बहुत सारी पॉकेट्स हैं। ये देखो, पावर बैंक का जो अटैचमेंट है, केबल यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे पॉकेट्स देखिए। इसकी जो क्वालिटी की बात करूँगा मैं, क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। पार्टिंग बहुत सही है, क्योंकि आप इसमें यहाँ लैपटॉप रखने वाले हैं। ये इसका लैपटॉप स्लीव है, काफ़ी बड़ा है, 15 इंच का तो आराम से आ जाएगा लैपटॉप इसमें, नट साइज़ का। जिप की क्वालिटी और इसकी जो पैडिंग है, बहुत सही लग रही है। यहाँ पे ब्रांड मेंशन है। एक और अच्छी चीज़, पीछे ये पॉकेट दी हुई है, ठीक है। और इस पॉकेट में आप अपना कभी वॉलेट या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप इसमें रख सकते हैं ट्रैवल कर रहे हैं तो। और यहाँ पे बड़ी सॉफ्ट, आप ये देखेंगे तो पैडिंग दी है, बहुत सॉफ्ट है ये, ठीक है। और ये मैश मटेरियल की बनी हुई है, तो इससे आपको स्वेटिंग वगैरह भी नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। ओवरऑल बैग स्टैंडर्ड साइज़ का है, और जो इसकी क्वालिटी दिख रही है मुझे, काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। और बहुत इजी टू यूज़ है। MRP 2000 ज़रूर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अभी मुझे ये जो है बैग 999 में मिला है, 1000 के अंदर। उसमें ये जस्टिफाइड है प्राइस। मुझे एक कॉम्पैक्ट बैग चाहिए था, जिसमें आप सारी चीज़ें रख सकूँ मैं आराम से और कैरी कर सकूँ। इसमें मुझे एक जो छोटी सी कमी जो लग रही है, कि वाटर बॉटल के लिए अलग से बाहर मोस्टली बैकपैक्स में होता है, वो इसमें नहीं है। वो मैंने लेने से पहले भी देख लिया था, बट कोई बात नहीं, वो मैं मैनेज कर सकता हूँ उसको, ठीक है। तो लेकिन मुझे इस बैग का डिज़ाइन पर्सनली बहुत पसंद आया। एंटी थेफ्ट बैग चाहिए था मुझे, और मतलब जो मुझे नीड्स थी वो सारी फुलफ़िल हो रही हैं इस बैग के अंदर। यहाँ पे एक पॉकेट दिया हुआ है इन्होंने, आप चाहें तो अपना सिपर यहाँ रख सकते हैं। बॉटल बैग के अंदर ही रखने का ऑप्शन दिया है इन्होंने, अगर आपको सही लगता है तो आप अंदर रख सकते हैं। इनके हिसाब से इन्होंने अंदर दिया है, वो छोटा सिपर रख लीजिए आप। बैग बहुत शानदार है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऊपर का मटेरियल ये जो है, ये लेदर नहीं है या और लेदर से फिनिश नहीं है, ब्रांडिंग बहुत अच्छे से कर रखी है। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि इस प्राइस में, मतलब इस ब्रांड के और भी आपको बैग मिलेंगे अमेज़ॉन पे या कहीं भी और, पर इस प्राइस में ये मतलब वर्थ लग रहा है मुझे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सस्ता है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा महंगा है, बट जो प्राइस है जो मैंने पे किया है ऑनलाइन, जो मुझे मिल गया है, बहुत अच्छी लग रहा है मुझे सर्विस इसकी, ठीक है। बाकी इस ब्रांड के और एक दो ब्रांड और हैं, उनके 1500 से 2000 में बैग आ रहे हैं, जिनमें थोड़े सिक्योरिटी फीचर्स और ज़्यादा हैं। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी, मेरे को एक सिंपल बैकपैक चाहिए था, वो मेरे इसमें सारा फुलफ़िल हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब किए। अभी और अच्छे शूज़ के, गैजेट्स के और भी रिव्यूज़ आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।